अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम नया लेक्चर शुरू करेंगे, इंडिकेटर्स। रीडिंग करना शुरू करते हैं। इंडिकेटर्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट आर डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड अल्कलाइन सॉल्यूशंस। लिटमस इज अ कॉमन इंडिकेटर। इट इज़ अ रेड इन एसिडिक सॉल्यूशंस एंड ब्लू इन अल्कलाइन सॉल्यूशंस। इंडिकेटर्स बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन पाई जाती है। अब इंडिकेटर्स का मेन मकसद क्या होता है, ये क्या करते हैं, ये एसिड और बेस के लिहाज से अपना कलर चेंज करते रहते हैं। जैसे कि हमने लिटमस पेपर डिस्कस किया था इससे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, तो लिटमस पेपर क्या करता है, लिटमस बेसिकली एक इंडिकेटर है जो कि एसिडिक सॉल्यूशन में रेड हो जाता है और बेसिक सॉल्यूशन में ब्लू हो जाता है। ठीक है, ये इसकी इंडिकेशन है। ठीक है, ये इंडिकेट करता है कि क्या चीज़ क्या है। ईच इंडिकेटर हैज़ अ स्पेसिफिक कलर इन एसिडिक मीडियम विच चेंजेज एट अ स्पेसिफिक पीएच टू अनदर कलर इन अ बेसिक मीडियम। अब ये हर इंडिकेटर का अपना एक स्पेसिफिक होता है कि वो कितने पीएच में एसिडिक होगा, कितना पीएच में बेसिक होगा। मतलब एसिडिक के लिए उसका अपना कलर होता है, बेसिक के लिए उसका अपना स्पेसिफिक कलर होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल फिनोफ्थलीन इज कलरलेस इन स्ट्रांगली एसिडिक सॉल्यूशन एंड रेड इन स्ट्रांगली अल्कलाइन सॉल्यूशन। अब फिनोफ्थलीन का उसने कहा है कि जो कि कलरलेस होती है अगर हमारे पास सॉल्यूशन जो है वो स्ट्रांगली एसिडिक हो, और रेड हो जाती है और अगर अगर सॉल्यूशन स्ट्रांगली अल्कलाइन हो। अब हमने जो लिटमस पेपर स्टडी किया था उसमें डिफरेंट केस था, उसमें था कि रेड होता है जब स्ट्रांगली एसिडिक हो और ब्लू होता है जब स्ट्रांगली बेसिक हो। ठीक है, इसमें है कि कलरलेस होता है जब स्ट्रांगली एसिडिक हो और रेड हो जाता है जब स्ट्रांगली बेसिक हो। ठीक है, अल्कलाइन का मतलब बेसिक, स्ट्रांग बेस होता है। ठीक है, इट चेंजेस कलर एट अ पीएच ऑफ अबाउट 9। अब ये जो है फिनोफ्थलीन, ये 9 के पीएच पर जाके अपना कलर चेंज करता है। दिस मीन्स फिनोफ्थलीन इज कलरलेस इन अ सॉल्यूशन विद अ पीएच लेस देन 9। अब कहने का मकसद है कि चूंकि देखिए 7 से लेकर 9 तक भी बेसिस आती हैं, लेकिन पीएच उनके सॉरी फिनोफ्थलीन उनके लिए कलर चेंज नहीं करेगा, वो 9 से ऊपर वाली बेसिस के लिए अपना कलर चेंज करेगा। इवन द पीएच इज अबव 9 फिनोफ्थलीन इज रेड। और अगर रेड उस वक्त होता है जब पीएच 9 से ज़्यादा हो। अब फिनोफ्थलीन का अगर पीएच स्केल में देखें तो 0 से लेकर 9 तक ये कलरलेस है और 9 से अबव ये रेड हो जाती है। लिटमस पेपर 0 से 7 तक रेड है और उसके आगे ब्लू जाती है। उसके बाद एक तीसरा आता है इंडिकेटर हमारे पास, मिथाइल ऑरेंज। ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तीनों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो मिथाइल ऑरेंज क्या करता है, वो 0 से लेकर 4 तक रेड रहता है मतलब एसिड्स के लिए, और उससे आगे वो येलो हो जाता है बेसिस के लिए और वीक एसिड्स के लिए। ठीक है, अ वेरी कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर इज टाइट्रेशंस आर गिवन बिलो। अब टाइट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंडिकेट करते हैं कि अगर ये चीज़ एसिडिक है या बेसिक है, तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स कौन कौन से हम वहाँ पे यूज़ करते हैं, मिथाइल ऑरेंज, लिटमस और फिनोफ्थलीन। अब कलर इन स्ट्रांगली एसिडिक सॉल्यूशन, मतलब कि अगर हमारे पास स्ट्रांग एसिड हो, स्ट्रांग एसिड सॉल्यूशन हो जिसका पीएच कह लेंगे 0 है, तब इनका कलर क्या होगा, मिथाइल ऑरेंज उस वक्त रेड होगा, लिटमस उस वक्त रेड होगा, फिनोफ्थलीन उस वक्त कलरलेस होगी। ठीक है, और इनका पीएच किस पॉइंट पर चेंज होता है, इसका फोर सॉरी इनका कलर किस पॉइंट पर चेंज होता है, 4 पे मिथाइल ऑरेंज का चेंज होता है, 7 पे लिटमस का और 9 पे होता है फिनोफ्थलीन का। और अल्कलाइन सॉल्यूशन में इनका कलर क्या होता है, येलो ब्लू और रेड रेस्पेक्टिव है इन तीनों के। ठीक है, मेजरिंग पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन, यूनिवर्सल इंडिकेटर। सम इंडिकेटर्स आर यूज्ड एज मिक्सचर्स। द मिक्सचर इंडिकेटर गिव्स डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट पीएच वैल्यूज, हेंस इट इज यूज्ड टू मेजर द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन। अब हमारे पास मिक्सचर्स होते हैं पीएच इंडिकेटर्स के, हम क्या करते हैं उनको मिक्स कर लेते हैं और हमें पता लग जाता है कि कलर चेंज से कि कौन सी चीज़ की कितनी पीएच है, मतलब सॉल्यूशन की पीएच कितनी है, हमें उससे पता लग जाता है क्योंकि वो सारी चीज़ें मिक्स होती हैं तो कलर चेंज आता है, तो उस कलर चेंज से हम इंडिकेट कर लेते हैं कि इसकी क्या पीएच है। सच अ मिक्स्ड इंडिकेटर इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल इंडिकेटर और सिंपली पीएच इंडिकेटर। ऐसी चीज़ को हम कहते हैं पीएच इंडिकेटर या यूनिवर्सल इंडिकेटर भी कहते हैं। द पीएच ऑफ सॉल्यूशन कैन बी मेजर बाय डिपिंग अ पीस ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर इन द सॉल्यूशन। अब तरीका क्या है, तरीका ये है कि आप पीएच सॉल्यूशन जो भी है जिसका भी आपने पीएच फाइंड करना है उसके अंदर आप यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर को डिप करेंगे और चेक करेंगे कि क्या इसका पीएच है। द पीएच इज देन फाउंड बाय कंपेयरिंग द कलर कंटेंट विद द कलर चार्ट एज शोन इन फिगर। और फिर जो कलर आता है उस पेपर का उसको हम कंपेयर करते हैं इस चार्ट के साथ, अगर जो चार्ट के साथ कलर मैच करेगा वही उसकी पीएच होगी। दूसरा तरीका क्या है पीएच मेजर करने का, द पीएच मीटर। द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन कैन बी मेजर विद द पीएच मीटर, इट कंसिस्ट ऑफ अ पीएच इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू अ मीटर। अब पीएच मीटर चेक करने का एक और तरीका है कि हम पीएच मीटर यूज़ करें। हम क्या करते हैं कि एक ऐसी चीज़ होती है जो कि इलेक्ट्रोड कनेक्टेड होता है एक मीटर के साथ जो कि पीएच बताता है। द इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इनटू अ सॉल्यूशन एंड द मीटर शोज द
पीएच इधर ऑन अ स्केल और डिजिटली। आप क्या करते हो, इलेक्ट्रोड को सॉल्यूशन के अंदर डालते हो, जिस तरह इस फिगर में उसने शो किया हुआ है। इस सॉल्यूशन की पीएच हमने फाइंड करनी थी, तो हमने सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रोड डाला इतना बड़ा सा, तो उससे हमें स्केल पे पता लग गया। अब यहाँ पे एनालॉग है, वो कहते हैं कि आगे डिजिटल भी हमें मिल जाती हैं स्केल्स। इट इज़ मच मोर रिलायबल एंड एक्यूरेट मेथड ऑफ मेजरिंग पीएच देन यूनिवर्सल इंडिकेटेड पेपर। अब वो कहते हैं कि ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बाज़ अवकात ऐसा होता है कि जब आप पीएच पेपर डिप करते हो ना उसके अंदर, तो आपका कलर जो है ना वो इतना ब्राइट नहीं आता, डिम सा आता है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन भी बाज़ अवकात कम ज़्यादा हो जाती है। इस वजह से ना ये ज़्यादा एक्यूरेट है पीएच मीटर, ठीक है, ये आपको एग्जैक्ट वैल्यू बता देता है। दो द लेटर इज ऑफन मोर कन्वीनियंट। वो कहता है कि एक्यूरेट तो ज़्यादा पीएच है, लेकिन यूनिवर्सल इंडिकेटिंग पेपर भी बाज़ अवकात ज़्यादा यूज़ होता है। ये अब होता है कि आप किस फील्ड में हो, वहाँ पे ये ज़्यादा यूज़ होता है। अच्छा, आज के टॉपिक के लिए इतना ही काफ़ी है, कल हम शुरू करेंगे नया टॉपिक सॉल्ट्स। अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारा ब्लॉग भी ज़रूर चेक करें, उसमें सारे लेक्चर्स मौजूद हैं अब तक के।